झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सोमवार से उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया जो है शुरू करेगी। कांग्रेस के प्रदेश इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक सोमवार को बुलाई गई है। अब इस बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद रहेंगे। इलेक्शन कमेटी लोकसभा वार संभावती उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर सकती है। देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के नवगठित प्रदेश इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक सोमवार को होगी। कांग्रेस भवन में होने वाली इस बैठक में समिति के 33 सदस्य के साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। बैठक के बाद इलेक्शन कमेटी संभावित उम्मीदवारों जिन्होंने टिकट के लिए अपना आवेदन दिया है उनके साथ मुलाकात करेगी। इसी के आधार पर उम्मीदवारों के संभावित नामों को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव जो बहुत नजदीक है और बहुत जल्द होने वाला है तो उसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। हर सीट वाइज हमारी तैयारियां सभी जगह है और कहां पर किस स्थिति में किस परिस्थिति में क्या तैयारी करें, क्या हम लोगों का रोड मैप होगा, कैसे होगा, क्योंकि समय कम है, इस पर पूरी तरह से गहन विचार विमर्श होगा। प्रदेश कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवारों के चयन को लेकर चुनाव की घोषणा से पहले ही पहल शुरू कर दी है। पार्टी के इस निर्णय से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उम्मीदवारों को अगर टाइम दिया जाएगा तो इससे परिणाम बेहतर आ सकता है। चुनाव से 2-3 महीना पहले हमारे AICC और PCC के जो माननीय हमारे नेतागण हैं जो कल आके डेलीगेटों से बैठक करेंगे और चयन करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि किस रणनीति के अनुसार हम अपने क्षेत्र और लोकसभा को जीतें। और सबसे खुशी की बात है कि कल 4 बजे जो हमारे 14 लोकसभा के जो कैंडिडेट होंगे उनकी भी चयन और उनसे भी बात विचार होगी। कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार चयन की पहली प्रक्रिया प्रदेश इलेक्शन कमेटी से शुरू होती है। इसी कमेटी के अनुशंसा पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी अंतिम निर्णय लेती है। इस लिहाज से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के लिए सोमवार का दिन काफी अहम माना जा रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।